हे गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ये वाली फोटो को कैसे एडिट करेंगे अपने स्मार्टफोन में एकदम रियलिस्टिक, इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे। सो वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखना। एंड ये जो फोटो मैंने फोटोशूट व्लॉग में खींची थी, तो काफ़ी सारे फोटोशूट व्लॉग आप चेकआउट कर सकते हो। तो इस तरीके की फोटो को मैं कुछ इस तरीके से पूरा चेंज कर दूंगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एंड मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछा है मैंने कम्युनिटी टैब में, सो एक न्यूज़ चैनल के रिलेटेड, तो आप मुझे वहाँ पे जाके सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मतलब मैं उस चीज़ के रिलेटेड एक चैनल बनाने वाला हूँ, मतलब कम्युनिटी टैब में जाकर आप एक बार चेकआउट कर लेना एंड उसमें कमेंट कर देना या फिर पोल सेक्शन में वोट कर देना। एंड चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम अपने ऐप में आ चुके हैं जहाँ पर हमें फोटो एडिटिंग करनी है। इस ऐप का नाम PS Touch है एंड ये आपको कैसे डाउनलोड करना है इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो इसका मैं डुप्लीकेट लेयर बना लूँगा। एंड डुप्लीकेट लेयर पे काम करना है सबसे पहले तो हमें इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए मैं सिलेक्ट करूँगा पॉलीगन सिलेक्शन टूल, इसका मतलब मैंने कंप्लीट ट्यूटोरियल बना रखा है, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा कैसे परफेक्ट तरीके से अपना बैकग्राउंड जो इसे हम इरेज कर सकते हैं एकदम परफेक्ट तरीके से। तो मैं इस बैकग्राउंड वाले पार्ट को स्किप कर देता हूँ। फटाफट से ये ऐसा कुछ बैकग्राउंड मैंने इरेज किया है एंड ये वाला बैकग्राउंड है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। एंड इस बैकग्राउंड को मैंने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि नीचे भी हमारे जो ओरिजिनल में है, ओरिजिनल फ़ोटो में, वहाँ पे भी मतलब वहाँ पे भी रोड है एंड पीछे बैकग्राउंड वाले में भी रोड है, तो काफ़ी अच्छे से मतलब मैचिंग हो जाएगी। एंड इसे मिक्स कैसे करेंगे वो बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो इसको मैं ट्रांसफॉर्म करूँगा, जो इसका बैकग्राउंड है इसको मैं कुछ इस तरीके से एडजस्ट करके लगा लूँगा थोड़ा बहुत, मतलब ऐसे जो हमारी रोड है वो थोड़ी ऐसे साथ में रहे एंड मतलब जिसे हम एडिट कर सकें। एंड ऊपर एस वाले टूल में जाएंगे एंड इसे फेद कर लेंगे, अपनी जो ऑब्जेक्ट वाली लेयर है उसको सिलेक्ट करने के बाद ये करना। एंड अभी हम इसे कुछ इस तरीके से फेद वाले ऑप्शन को यूज़ करेंगे ताकि जो बैकग्राउंड पे रोड है वो भी हल्की हल्की मैच होने लग जाए एंड थोड़ा रियलिस्टिक इफेक्ट आने लग जाए। तो फटाफट से दो तीन बार मैं इस ऐप को मतलब सॉरी इस टूल को यूज़ करने के बाद कुछ इस तरीके का रिज़ल्ट आया। एंड अभी थोड़ा और यूज़ करना पड़ेगा इसको, पर सबसे पहले तो मैं इसे जो हमारा बैकग्राउंड है उसे मैं और ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ थोड़ा और अच्छे से, मतलब एडजस्ट करके लगा लेते हैं ताकि थोड़ा अच्छा सा लगे एंड थोड़ा रियलिस्टिक सा लगे। तो अभी यहाँ पे परफेक्ट लग रहा है एंड यहाँ से डन। एंड अभी इसे थोड़ा सा और करना पड़ेगा फेद, तो ऑब्जेक्ट में जाएंगे एंड ऐसे वाले टूल पे एंड इसे फेद कर लेते हैं मैं फटाफट से। तो फेद वाला ऑप्शन तो मतलब हो चुका है अभी हमारा, तो हल्की फुल्की मैच हो चुकी है। अभी हमें करना क्या, बैकग्राउंड को ब्लर करना है हल्का सा। तो इसके लिए मुझे करना क्या होगा, ऊपर FX वाला टूल होगा उस पर जाना है एंड इसे यहाँ से गोशन ब्लर कर लेना हल्का सा, मतलब 20 के करीब रख रहा हूँ मैं ब्लर एंड काफ़ी सही लग रहा है मतलब, एंड ओरिजिनल सा भी लग रहा है आपके सामने ये रिज़ल्ट। एंड इसके बाद करना क्या हमें, इसके बाद आप चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो एंड एम्प्टी लेयर बना लो। एम्प्टी लेयर बनाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे ग्रेडियंट का ऑप्शन मिलेगा, तो हल्का सा हमें ग्रेडियंट चाहिए ब्लैक कलर का। तो बेसिकली कुछ इस तरीके से लगा रहा हूँ मैं ताकि थोड़ा ब्लैक ब्लैक सा इफेक्ट अच्छा भी है लगे एंड थोड़ा रियलिस्टिक सा भी लगे। इसको नीचे मत रखना अपने जैकेट के, इसको ऊपर ही रखना ताकि थोड़ा अच्छा सा इफेक्ट आए। एंड इसके बाद हम आ जाते हैं लाइट रूम एप्लीकेशन में, यहाँ पे हमें कलर को थोड़ा एडजस्ट करना है, लाइट्स को थोड़ा एडजस्ट करना है। तो वो कैसे करना है आपको अभी बताता हूँ मैं। सबसे पहले तो देख लो बैकग्राउंड काफ़ी अच्छे से इरेज हुआ है, अगर वो आपको सीखना है तो लिंक तो आपको ऊपर आई बटन में मिल ही जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर लेना। एंड इसका थोड़ा वाइट बैलेंस भी थोड़ा सेट करना होगा। तो फटाफट से मैं यहाँ पे ऑटो में सेलेक्ट करता हूँ एंड इसकी लाइट की एडजस्टमेंट है थोड़ी हल्की फुल्की खुद ही हो जाएगी। एंड इसके बाद हमें जाना है नीचे कलर वाले ऑप्शन में एंड कलर वाले ऑप्शन में जाने के बाद ऊपर आपको वाइट बैलेंस एज शॉर्ट पे होगा, उसको आपको ऑटो पे कर देना है। एंड ये थोड़ी वार्म टोन पे ले चुका है मतलब टेम्परेचर को, तो वाइट बैलेंस काफ़ी अच्छा सा हो गया। एंड इसके बाद हमें करना है ऊपर मिक्स वाले टूल में जाना है एंड यहाँ पर हमें जो रेड वाला है इसका मैं थोड़ा हल्का सा सेचुरेशन बढ़ा देता हूँ एंड फेस को थोड़ा सा मैं सेचुरेशन एंड थोड़े से लुमिनेंस बढ़ा देता हूँ जिससे फेस थोड़ा ब्राइट हो जाएगा। एंड ये वाला देख सकते हो जहाँ पे मैं बैठा हूँ इसका मतलब HUV चेंज कर रहा हूँ मैं, तो कौन सी अच्छी लग रही है वो पे डिपेंड करता है। अगर आपकी फ़ोटो में भी ये कलर है तो आप कर सकते हो, थोड़ी ऑरेंज अच्छी सी लग रही है एंड ग्रीन वाला तो है नहीं तो उसको मैं रहने देता हूँ। एंड इसके बाद जो ब्लू वाला है इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लूँगा, इसका सेचुरेशन बढ़ा लूँगा एंड बाकी सब तो सब सही है। एंड यहाँ से आपको मैं फ़ोटो जूम करके दिखाता हूँ एक बार, हल्का सा इफेक्ट आया बट काफ़ी अच्छी लग रही है फोटो। एंड इसके बाद डन। एंड इसके बाद हम नीचे वाले इफेक्ट में जाएंगे एंड यहाँ पे हमें टेक्सचर और क्लैरिटी का ऑप्शन मिल रहा है, इसे हम बढ़ा लेंगे। एंड इसका जो वीनियट है इसको हम हल्का सा कम कर देंगे एंड मिड पॉइंट है जो इसका इसको भी हल्का सा कम करेंगे। एंड इसके बाद इसके बाद आपको एक और ऑप्शन मिलता है नीचे जाने के बाद यहाँ पे ग्रेन अमाउंट का, तो इसको आप बढ़ा सकते हो मतलब हल्का सा
20 के करीब बढ़ा लेना, काफ़ी अच्छा सा मतलब रिजल्ट मिलता है। फ़ोटो को जूम करने पे वो पता चलता है, मतलब ग्रेन सा आ जाता है फ़ोटो में, काफ़ी अच्छी लगती है। आपको एक बार फुल करके दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके का इफेक्ट आता है, बट हल्का सा रहने पे मतलब अच्छा सा इफेक्ट लगता है ये। तो इसके बाद हमें करना क्या, सिंपली नीचे जाना है शार्पनेस वाले ऑप्शन में, शार्पनेस, मास्किंग, डिटेल्स, नॉइस, कलर नॉइस रिडक्शन, सब ये बढ़ाकर आपको एक बार अपने हिसाब से देख लेना है। बिफोर एंड आफ्टर ये रिज़ल्ट आया हमारा, एंड फ़ोटो आपको आई होप काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होगी एडिट करने के बाद। एंड अगर आपको चैनल पे और भी ट्यूटोरियल्स देखने हैं तो चैनल के अंदर विजिट कर सकते हो आप, काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स हैं। एंड पोल सेक्शन में जाकर जरूर से वोट कर देना, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ एक नया चैनल क्रिएट करने की। एंड आपको किस टॉपिक के रिलेटेड चैनल चाहिए, किस में आपका इंटरेस्ट है वो आप बता सकते हो। एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।